हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। आज मैं उन सबसे बात करने आई हूँ जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन था बहुत ज़्यादा, और मैंने उन्हें कुछ टिप दी थी, एनिमल लेने का सजेशन दिया था। क्या आप लोगों ने एनिमल लिया? क्या वो टिप फॉलो की? क्या वो सब चीज़ें वर्क करी? आपके कब्ज़ में कितना आराम है, कितना नहीं है? क्या आपको फ़ायदा हुआ है, या अभी भी आप वही चूर्ण लेके ही अपना टाइम निकाल रहे हो, या कुछ उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स ले लेके अपना टाइम निकाल रहे हो? मुझे जानना है, तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि फीडबैक आपका मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आज मैं कुछ नई और टिप लेकर आई हूँ जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन में और भी ज़्यादा आराम हो सकता है। अगर वो टिप वर्क नहीं करी, वैसे वो 100% वर्क करेगी, पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन को किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, किसी पर्सन को कोई चीज़ सूट करती है, किसी पर्सन को नहीं कोई चीज़ सूट करती है, तो सेम वैसे ही। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुछ और नई टिप, और इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन पे और भी ज़्यादा और जल्दी से आराम होगा। देखो, सुबह उठ के हमें सबसे पहले खूब सारा पानी तो पीना ही है, हल्का सा वार्म करके अनलिमिटेड पानी पियो, जब तक पीते रहो, जब तक आपको पूरी तरह से प्रेशर ना आ जाए। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि खाने का जूस बना लो, बहुत ज़्यादा चबा चबा के आपको खाने को खाना है। खाना खाने के बाद इमिजिएटली एकदम मत उठो, टाइम लो। आप देखोगे कि जो आपने खाना चबा चबा के खाया, अगर आप एकदम उठ जाओगे तो आपको हैवी फील होगा। लेकिन अगर आप खाना चबा चबा के खा रहे हो और सिर्फ टू मिनट्स, जल्दी सबको है। और पता है, ये ना सिर्फ मेंटली है कि हमें बहुत जल्दी चलो बस उठो। जब आप इस प्रैक्टिस में आ जाओगे कि हमारा खाना हमने खा लिया, बस हमें दो मिनट बैठना है, आप देखोगे आपका खाना बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको एक स्मॉल सी बर्ब भी आएगी, और आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसमें बहुत आराम मिलेगा। देखो, बर्ब आना, खाना चबा के खाना, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिपेशन की ही को रिलीफ देने का ही एक साइकिल है, राइट? अपने खाने को अच्छे से चबा के खाओ, इंजॉय करो। मतलब पहले ना मुझे भी ऐसे ही लगता था कि कहाँ टाइम है, बस ऐसे उल्टा सीधा खाना, बिना चबाए खाना और खा के एकदम से भागना। मतलब मैंने ना, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे से जो चेंजेस हम करते हैं ना, उसका बड़ा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप्स जब हम चलते हैं ना, तो सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। सेम उसी तरीके से हम अगर अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चल दें, तो उसके छोटे छोटे से हमें स्टेप रखने होंगे और उसका रिजल्ट बड़ा आएगा। आप मुझे ही देखो, 12 साल तक मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा कि ये बीमारी बस मेरे को मिल गई है, अब मुझे जीवन भर इस बीमारी के साथ लड़ना है। लेकिन जब मैंने ठान ली कि मुझे इस बीमारी से निकलना है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दुनिया के सब तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करके देख चुकी थी जिनका रिजल्ट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, मतलब मैं थक गई थी। और उसके बाद कितनी सारी चीज़ें ना दिमाग में एकदम, सर भारी भारी, फेस ख़राब, बहुत सारी समस्याएं होती है। बाबा मैं तो निकल गई हूँ, आप कब निकल रहे हो ये बताओ। एनीवेज, ये सब चीज़ें तो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मुझे जानना है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एनिमा आपने लेना शुरू किया है, नहीं किया है? देखो, एनिमा से डरो मत, एनिमा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, शुरू में आपको लेना पड़ेगा। मैंने भी स्टार्ट में लिया था, अब मुझे बिल्कुल भी एनिमा की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इन सब जो छोटे छोटे टिप्स मैंने फॉलो किए, उससे बहुत आराम से डेली बेस पे पेट साफ हो जाता है। चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज। बेसिक एक्सरसाइज ना हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, जो चीज़ हमने खाई है उसको सही तरीके से पचाने में मदद करता है। तो बेसिक एक्सरसाइज कर लिया करो यार, मतलब उसमें कितना ही टाइम लगता है, 15-20 मिनट आपको देने होता है। पता है, सब ऐसे ही सोचते हैं एक्सरसाइज के लिए कौन टाइम निकाले, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि एक्सरसाइज के लिए कौन टाइम निकाले। लेकिन जब हमने डिसाइड कर लेते हैं ना हम ये कि हमें निकालना ही निकालना है टाइम, तो उसी 24 घंटे में से, उतने ही बिजी शेड्यूल में से, हम सब चीज़ों के लिए सारे टाइम निकाल पाते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी। तो आपको इन टिप्स का ध्यान रखना है, और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल जड़ से हमें ख़त्म करना है। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वे सारे टिप्स को फॉलो करें, आपका कॉन्स्टिपेशन भी 100% गारंटीड सही हो जाएगा। इस बात का मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।